लो जी आ गए हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट E3 टर्मिनल गेट 6 है नंबर गेट पे। चलो चलो जी अभी टाइम है इंट्रोडक्शन का। हेलो एवरीवन नमस्ते, मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR13 इन जर्मनी। वेलकम बैक। हमें जाना है ए पर। आज मैं बहुत जल्दी आ गई, ऑल्दो घर से हम चले थे 7:15 के आसपास, 8:30 मैं यहाँ पे पहुँच गई। काफ़ी फास्ट था, आज संडे है वैसे भी, तो इतनी भीड़ मिली नहीं, ट्रैफिक था ही नहीं। जल्दी से चेक इन कराते हैं। लाइन लग रही बहुत भीड़ थी बी पे, हमने जाना था ए पे, पर मन लगा ए पर भी बराबर की भीड़ है। बैग ड्रॉप वाला है, हमें इसके अंदर जाना है। चेक इन करा लिया, बैग्स ड्रॉप कर दिए। उसके बाद अगर कोई इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो ये जो मनी एक्सचेंज है पीछे, यहाँ पे आप अपने पैसे जो हैं वो एक्सचेंज करा सकते हो, यूरो में, कैनेडियन डॉलर में, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, अगर आपने अपनी फ्लाइट से पहले नहीं कराया है तो। इंटरनेशनल डिपार्चर पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह होगा। ये आइटम्स हैं जो आप नहीं ले जा सकते, और इसमें घी भी है और मैंने 1 किलो घी ले लिया है। चलो देखेंगे घी ले जाने देंगे या नहीं, वरना नुकसान हो जाएगा 1000 रुपये का। एक्चुअली 1000 रुपये का इतना दुख नहीं होगा जितना घी का दुख होगा कि देसी घी। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल पासपोर्ट होल्डर्स ये पीछे हैं। यहाँ पे हमें अपना सिक्योरिटी चेक इन और जो अपना क्या बोलते हैं इमिग्रेशन वो कराना है, मतलब वही पासपोर्ट पे स्टैम्प लगेगी कि हाँ मैं इंडिया से अब वापस जा रही हूँ जर्मनी। फिर जब जर्मनी पहुँचूँगी वहाँ फिर से होगा, अब वो बोलेंगे कि हाँ ये लड़की आ गई है जर्मनी, वो भी स्टैम्प मारेंगे। तो चलो स्टैम्प लगा लेते हैं पासपोर्ट पे। भाई दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, चेक इन के बाद ट्रॉली अंदर मत लेके जाना, वापस लानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप अपना इमिग्रेशन करोगे यहाँ पे तो आपको ट्रॉली अलाउड नहीं है। सो मुझे वापस जाना पड़ा, ट्रॉली रख के आनी पड़ी, अपना सामान खुद से कैरी करो। भाई मेरे वाली गलती मत करना, मेरी जो घी की 1 किलो की बोतल है वो उन्होंने रख ली है, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि घी जो है, घी जैसा आइटम वो विस्तारा में या आई थिंक हर एयरलाइन में चेकड इन लगेज में अलाउड है, मुझे ये नहीं पता था। और मैंने फिर उनसे बात की तो उन्होंने बोला है विस्तारा की जो एयरलाइन है उनको कॉल किया मैंने मैनेजर को, दे सेड कि आप एक्स्ट्रा जो चेक इन है वो करा सकते हो, कोई और बैग आपके पास हो उसमें डाल के वो आइटम आप चेक इन करा लो, बट उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे एंड गेस करो कितने, 220 USD। मगर भाई इतने कहते घी भी को ना कर रखो तुम। फिर वो जो सिक्योरिटी वाला था वो उसको बता के आई, मगर सर ऐसे ऐसे ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं और चेक इन बैग में वो अलाउ कर नहीं रहे, मतलब उसने सिक्योरिटी वाले ने बोला था कि बात कर लो, शायद वो चेक इन बैग में तुम्हारे में खुद ही डाल दें वो तुम्हारा जो भी बॉटल वगैरह है। बट मैंने जब बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं चेक इन बैग तो जा चुका है एंड हम उसमें अब कुछ कर नहीं सकते, बाकी आप एक्स्ट्रा चेक इन करा सकते हो। मैं कहा छोड़ो यार 220 इज टू मच, तो जाने दिया मैंने 1 किलो देसी घी। अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देना, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं घी लेके जा रही थी, बट नेक्स्ट टाइम विल बी अवेयर। और आपका तो फर्स्ट टाइम होगा अगर, तो आप तो पहले से ही अवेयर हो के चलो, ठीक है। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको, इन्जॉय। जैसे वो लोग घी इन्जॉय करेंगे ना, देसी घी। तो अभी हमने सबसे पहले क्या कराया, सबसे पहले हमने चेक इन कराया, मतलब अपने जो बड़े बैग हैं चेक इन बैग्स हैं वो जमा कराए। बीच में आप मनी एक्सचेंज जो है वो करा सकते हो बैग ड्रॉप करने के बाद, चेक इन करने के बाद। आफ्टर दैट इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक इन एंड देन यू हैव टू गो फॉर योर गेट नंबर। ओ चलो शुक्र है सही गेट नंबर के आसपास ही आए हैं, मेरा गेट नंबर है 13 HR13। भाई क्या कोइंसिडेंस होते हैं, अमेजिंग। 1214 तो मैं अभी आई हूँ 15 के सामने, दिस इज 15, वी हैव टू गो टू 13। नहीं भाई नहीं, गेट नंबर 13 जो है वो एकदम कोने पे है, मुझे लगा 15 के पास आ गई हूँ, मैं कहा 13 यही होगा।
पर ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम मैं यहाँ से जा रही थी, मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ से। ये देखो, ये ऑटोमेटिक ट्रेल है जिस पर आप बस खड़े हो जाओ, अपने आप चलती रहेगी। ये हमारे जैसे आलसी लोगों के लिए। ये है हमारा व्यू एयरपोर्ट के बाहर का। उधर T2 टर्मिनल है और हम हैं T3 टर्मिनल के अंदर, ये वाला। 10:30 बज गए, मैं 8:30 बजे आई थी और शायद 9:45 के आसपास मैंने अंदर एंट्री की होगी। 1.5 घंटा लग गया मुझे ये सारे काम कराने में। तो आप लोग भी अपना पहले से ही प्रिपेयर होके आना। 2-3 घंटे तो एटलीस्ट मिनिमम है ये, 3 घंटे पहले आना अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए सो दैट यू कैन टैकल इट। और इसमें इमिग्रेशन में इन सब में टाइम लगता है, 1.5 घंटा देखो जैसे मुझे लग गया, 2 घंटे लग गए। काफ़ी धीरे चल रहे हैं हम। एक वीडियो बनाऊंगी मैं अभी इंस्टाग्राम के लिए। गेट नंबर 4 आया है। मैंने आउटफिट चेंज कर लिया है, अभी मैं कुर्ती जीन्स में आ गई हूँ। इससे पहले मैं थी सलवार सूट में, घर वाले थे साथ में इसलिए वो वाला आउटफिट था। अभी थोड़ा कंफर्टेबल आउटफिट है, अब सही है। जूते पहन लिए मैंने, मस्त कंफर्ट आ गया। 13 पहुँच गए भाई। प्लेन्स खड़े 12 वाले और उधर है हमारा गेट नंबर 13। जो टिकट बना रहा था मेरी, उसने मुझे पहले ही बोला था कि गेट नंबर 13 है, बहुत दूर है। मैंने कहा ठीक है। आई होप उसने मुझे हैव अ गुड डे ही बोला हो। अगर उसने मुझे बोला हो हैव अ गुड फ्लाइट और मैंने बोला है यू टू, तो मेरी गंदी बेइज्जती हुई है। चलो जो भी है ठीक है, हमारा जहाज खड़ा है, लेट्स गो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं फिर से एयरपोर्ट आ गई हूँ। सेम डे फील हो रहा है कि जैसे कल ही आई थी और आज निकल ली। कैसे ये 1.5 महीना निकल गया पता ही नहीं चला। भीड़ देख रहे हो, इस पूरी भीड़ को काट के आई हूँ, इससे डबल भीड़ थी। ईस्टर हॉलिडे की वजह से सिर्फ 2 ही काउंटर खुले हुए थे, बाकी स्टाफ था नहीं इनका। अरे मेरी आंखों में इतनी नींद भरी हुई है ना, मैं लास्ट की सिर्फ 10 मिनट सोई हूँ, पूरी फ्लाइट में सोई नहीं मैं, और मुझे अब नींद आ रही है। वैसे अभी मैंने इमिग्रेशन किया है, लैंड करने के बाद सबसे पहले यही करना होता है और इसके बाद बैगेज क्लेम करना होता है, मतलब अपने बैग लेने होते हैं। वहाँ से हम अपना बैग नंबर देख सकते हैं। हमारी फ़्लाइट थी UK 25, हमारी फ़्लाइट का दिल्ली 51-52। अरे यहीं पे है। चलो तो अभी इमिग्रेशन के बाद बैग्स कलेक्ट करने, चेक इन बैग जो, वो मेरा बैग आ गया, मेरा बैग आ गया, एक बैग आ गया, दूसरे का इंतज़ार है। मेरा दूसरा बैग भी आ रहा है, मुझे दूर से दिख रहा है। आ जा भाई। ओहो, इसकी तो दुर्गति हो रखी है, मेरा ही है ना। हाय हाय, कितना स्क्रैच लग रहा है। हो गए हैं भाई दोनों बैग, क्रेट ढूंढते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो क्रेट या जो ट्रे ट्रॉली हमें इंडिया में फ्री में मिलती है, वो यहाँ पे 1-1 यूरो में लेनी होती है। मैंने पिछली बार ली थी। तो आप भी अगर इंडिया से आ रहे हो, आपके पास इंडियन कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप स्वाइप करके 1 यूरो डिडक्ट होगा, वो क्रेट आप ले सकते हो। अगर आपको लगे कि मैं कैसे पे करूँगा 1 यूरो का सिक्का, क्योंकि होता नहीं है, तो ये आप कर सकते हो, आप अपने डेबिट कार्ड से डेबिट करवा सकते हो वो अमाउंट। बाकी मर्ज़ी है, लेना हो लो वरना मत लो।
चलो हम तो नहीं ले रहे क्योंकि बाद में सामान ऐसे ही घसीटना है, सिर्फ एग्जिट तक काम है इसका। तो बैग कलेक्ट करने के बाद अभी हमें जाना है टर्मिनल 1 पे, उसके लिए हम बस लेंगे। यहाँ पे फ्री में बस चलती है और बस आ गई है। चलो भाई, हाँ सामने से बस मिलती है, ये देखो बस और टैक्सी का बना हुआ ना, तो हमारी बस खड़ी है टर्मिनल 1 के लिए। बस से उतर चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ ग्लाइस फ्यून पे, मतलब प्लेटफॉर्म 5 पे। वहाँ से ICE ट्रेन लेनी है मुझे, देखते हैं कौन सी लेती हूँ। इसे हॉर्न कैरिंग में लगेज ऐसे पुश कर रही हूँ दोनों को, तीनों को एक साथ। भाई मैं जब भी ऐसी एस्थेटिक सी वीडियो बना रही हूँ, कोई ना कोई ज़रूर देख के जा रहा है कैमरे में ऐसे। भाई इस बार हम स्मार्ट खेलेंगे, इस बार हम इससे जाएंगे एलिवेटर से। Also, kann man diesen scheiß Zug nur ein Ticket kaufen? Ich kenne mich damit nicht aus. हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म 5 पे, अभी मेरी ट्रेन आएगी 9:24 पे। वैसे मैंने वही बुक की थी 10 यूरो में मानहाइम तक के लिए, क्योंकि मैंने सोचा ICE ले लेती हूँ मानहाइम तक, फिर मानहाइम के बाद तो मेरा स्टूडेंट कार्ड चलेगा ही, तो सस्ते में काम हो गया। उससे पहले मैंने ये सोचा था कि अगर मैं जल्दी पहुंच गई, जैसे मैं पहुंच गई हूँ, अभी की टाइम कितना हुआ है, 8:10 हुए हैं, नेक्स्ट ट्रेन जो है वो 8:51 पे, लेकिन वो भी लेट आ रही है, वो आ रही है 9:17 पे। तो मैंने सोचा 9:24 वाली ऑलरेडी बुकड है, उसी में चलते हैं, क्यों फालतू का श्यापा करना। क्योंकि पहले मेरा प्लान था उससे पहले जो भी ट्रेन आएगी उसमें बैठ लूँगी, देखा जाएगा। पर ये वाली जो है 9:24 वाली, इससे मैं रात को 11:30-12 बजे पहुँचूँगी काइज़रस्लाउटर्न, बहुत लेट हो जाएगा। मेरा हाथ बिल्कुल दुख चुका है ऐसे कैमरा पकड़ के, बैग ढो के, हाय थक गई मैं पूरी तरह। जर्नी बहुत ही ज़्यादा ऐसे टायरिंग सी थी, पता है क्यों, रीज़न बताती हूँ। मेरे आगे जो बंदा बैठा हुआ था वो अपनी सीट पीछे करके बैठा था, ऑल द टाइम सो रहा था वो, खाना खाते वक्त भी मेरे को इतना अनकम्फर्टेबल हो रहा था। तो जब वो एयर होस्टेस आई खाना देने, तब भी वो सो रहा था, तो मैंने एयर होस्टेस को इशारे में बोला कैन यू वेक हिम अप, कैन यू आस्क हिम टू पुश हिज सीट। तो वो ट्राई कर रही बेचारी ऐसे थोड़ा सा हाथ लगा के। मेरे बगल वाले ने क्या किया, उसकी पूरी सीट ऐसे झंझोड़ दी। भाई वो कितना गुस्सा किया वो बंदा, बोला ये कोई मतलब नहीं होता, मतलब इंडियन था, हिंदी में बोल रहा था, बोला आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे कैसे झंझोड़ सकते हो मेरे को, आराम से बोलो और ये वो। मैं कहा यार मेरे चक्कर में मेरे बगल वाले ने पंगा ले लिया। मैं कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो एयर होस्टेस भी ऐसे देख रही कि ओहो कैसे संभालेंगे सिचुएशन, पर ठीक है चल गया काम। दुखी तो हो गई मैं पूरे टाइम, मैं सिर्फ लास्ट के 10 मिनट सोई हूँ, भाई ट्रेन चली गई एकदम सन्नाटा हो गया। पता है मैं यहाँ पे जर्मनी में जैसे ही लैंड की ना, और मतलब प्लेन से बाहर निकली, तो सबसे पहली फ्रेग्रेंस मुझे किस चीज़ की आई है, कॉफ़ी की। मैं कहाँ आ गए वहीं जन्नुम में फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ऐसे अंदर एंटर करने लगी तो ब्रेड की खुशबू आ रही। बस ये दो ही फ्रेग्रेंस हैं यहाँ, ब्रेड एंड कॉफ़ी। पक गए हैं भाई, अब फिर से वही ज़िंदगी शुरू लो जी गराड़ा ने बंद है लड्डू लड्डू खाने का टाइम आ गया। ये हैं लड्डू बेसन के, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। खूब घी प्या रखा है इसमें, भाई हम तो बेशर्मा की डाला खावांगे। भूख भी लग रही थी, मैंने तो एक इंडिया में खाया था जब मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी, एक अब खाया। और ट्रेन इज अराइविंग, आ गई आ गई आ गई। ट्रेन से सीधा पहुंच गई हूँ मैं अपने रूम पे भाई यहाँ आके मुझे लाइट वाइट भी पता नहीं चल रही थी, कौन से बटन से लाइट जलेगी, सब कुछ भूल भूल गई हूँ मैं इधर का। अभी मेरे फ्रेंड्स लोग आए थे, शिल्वा और उसके साथ उसका एक फ्रेंड मौलिक। मेरा सारा सामान जो है मानहाइम से यहाँ तक लेके आए, अगर ये लोग नहीं आते ना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा टायरिंग होता। अभी टाइम देख रहे हो आप, इसमें टाइम इसमें गलत क्यों बता रहे हैं? ओ कहीं वो एक घंटे वाला वो कम तो नहीं हो गया, 4.5 घंटे का टाइम डिफरेंस था, वो शायद 3.5 घंटे का कर दिया है, एक घंटा घुमानी पड़ेगी। ओ गॉड, फिर से वही जिंदगी, पढ़ाई नौकरी
कॉलेज. ऐसा सन्नाटा सा हो गया ना, बाहर बहुत बारिश हो रही है. इतना बढ़िया मौसम है वैसे तो. मैं जैसे ही आई ना काइज़रस्लाउटर में, कहा सेम फीलिंग आ रही थी जैसे मुझे पहली बार फीलिंग आई थी ना काइज़रस्लाउटर में आने के बाद. एकदम ठंडा ठंडा हिल स्टेशन वाला माहौल, वो चीज़ अच्छी है यहाँ की काइज़रस्लाउटर की, कि यहाँ मौसम अच्छा रहता है. हम पहुँचे काइज़रस्लाउटर हॉप्टवेनहॉफ. वहाँ से हमें कोई बस नहीं मिली क्योंकि आज संडे है, इसलिए हमने कैब की. 10 यूरो की कैब पड़ी और ड्राइवर भी हिंदी बोल रहा था. वो भी ऐसे बोल रहा, अरबी फारसी उर्दू सब बोलता हूँ मैं. मैंने कहा ठीक है, मेरे को सारे ऐसे ही क्यों मिलते हैं जिनको सारी लैंग्वेजेस आती. अब यहाँ के रूम थोड़ा वेंटिलेट के लिए डाला है, गेट खोल दिया है. आज की जर्नी में आपने देखा कैसे मैं इंडिया से स्विच मारा, मैंने जर्मनी पहुँची. इस बीच मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं, ट्रिक्स दी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने सीख ही लिया मेरे एक्सपीरियंस से. तो चलो जी, अगली वीडियो में मिलते हैं. अब वीडियोस थोड़ी सी रेगुलर हो गई होंगी क्योंकि इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुकी होंगी. आई नो मैं इंडिया गई तब मैंने वीडियोज़ इतनी रेगुलरली नहीं डाली, बिकॉज आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज बिजी विद माई फैमिली. तो चलो माफ़ कर दो थोड़ा सा प्लीज़. ठीक है, अब थोड़ा सा रेगुलर हो जाएंगे. एग्ज़ाम्स हैं आई नो, बट स्टिल आई विल ट्राई. ठीक है, चलो जी, इसी जोश के साथ मैं यहाँ पे लेट जाती हूँ. ओके जी, गुड नाइट, बाय बाय. अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय. सोनानी सोनानी मेरी जान, सोनानी जगना अभी समा थोड़ा सा अनपैक करूँ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट. ओके बाय.